रीवा के लेखक, कवि और मंच संचालक सत्येंद्र सेंगर को मुंबई में आयोजित एक समारोह में विंध्य गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उनके सुदीर्घ लेखन के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि सत्येंद्र सेंगर के लिखे भक्ति गीत आज से 25 साल पहले अलसभा कैसेट इंदौर और शिवानी कैसेट जबलपुर ने जारी किए थे। उनके लिखे गीत गजलों का एक एल्बम परवाना सन 2000 में गायक अखिलेश द्विवेदी की आवाज में आया था, जिसकी गजल इस जिंदगी ने मुझको घुंघरू बना दिया बड़ी मशहूर हुई थी। उनके गजल संग्रह हम तुम्हारे हो गए ने रीवा में सबसे अधिक बिकने वाली किताब का रिकॉर्ड बनाया था। मुक्तक संग्रह एक टुकड़ा मोहब्बत के अलावा उनके लिखे नाटकों के संग्रह महिला दिवस और कविता संग्रह आजाद वतन में पाठकों ने बहुत पसंद किया था। देश के सम्मानित मंचों पर अपनी पुख्ता आवाज बनाने वाले सत्येंद्र सेंगर के गीत अनिल मिश्रा मुंबई के अलावा कई गायकों ने गाए हैं। आकाशवाणी के उद्घोषक के रूप में लंबा अनुभव रखने वाले सत्येंद्र सेंगर ने सत्यार्थी फिल्म्स के बैनर तले कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण किया है। स्नेहा इवेंट्स द्वारा आयोजित समारोह में उनके अलावा समूचे विंध्य से 10 अन्य प्रमुख लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्मश्री बाबूलाल दाहिया सतना को कृषि में बीज संरक्षण के लिए, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अर्चना कुशवाहा नागौत को कोरोना काल में समाज सेवा के लिए, राज आशु शहडोल को बॉलीवुड फिल्मों में संगीत देने के लिए, इस्तियाक खान पन्ना को फिल्मों में अभिनय के लिए दिया गया है। विंध्य गौरव अवार्ड में सेना के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 4 सैनिक भी शामिल किए गए। दूरदर्शन भोपाल न्यूज रीडर और जिन्हें आप सभी आकाशवाणी पर अनाउंस करते हुए आप सभी ने सुना, तालियां बजती रहनी चाहिए। और अभी कुछ भी समय में हमारे सभी अवार्डी को हम सम्मानित करेंगे, तो प्लीज आप सभी हमारे साथ बने रहे। तालियां बिल्कुल बजती रहनी चाहिए आदरणीय श्री सत्येंद्र सेंगर जी के लिए।